नमस्कार, खबर की तहतक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब खबर छतरपुर से। खाद न मिलने से किसानों ने किया सागर हाईवे रोड पर चक्का जाम। खाद को लेकर आज पूरे भारत में किसान परेशान है। इस समस्या के मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। आज छतरपुर में गुस्सा आए किसानों ने सागर हाईवे रोड को 2 घंटे तक चक्का जाम किया और खाद न मिलने से सरकार को जमकर कोसा। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी प्रबंधक द्वारा खाद उपलब्ध होने के बावजूद भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है और ब्लैक में खाद को बेचा जा रहा है, जबकि हम सभी किसान ग्रामीण इलाकों से 50 से 20 किलोमीटर दूरी तय करके आते हैं और यहां दिन भर समय गुजारते हैं और शाम को खाली हाथ वापस चले जाते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि यदि हमारी खाद की पूर्ति नहीं की जाती तो हम आत्महत्या करने पर उतारू होंगे, क्योंकि हमारी दैनिक जीवन कृषि से ही चलता है। कड़ी मशक्कत के बाद छतरपुर पुलिस ने आश्वासन देकर किसानों को समझाइश दी और जाम खुलवाया। आज हमने रोड में जाम लगाया था कि पुलिस आएगी या अधिकारी लोग आएंगे तो वो खाद दिलवाएंगे, सुनवाई होगी हमारी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं आप? हम खाद लेना चाहते हैं। खाद किस आवश्यकता पे आप? हमें गेहूँ की आवश्यकता के लिए, क्योंकि गेहूँ में खाद की ज्यादा जरूरत है। अभी ना मिल पाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी। फसल नहीं हो पाएगी तो कोई सरकार के लिए गेहूँ नहीं। क्या करेंगे आप लोग यदि खाद नहीं देते हैं? वो लोग खाद नहीं देंगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, रोड में करेंगे और अपनी कुछ आत्महत्या कर सकते हैं।